हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी पॉइंट। चैलेंजिंग सीरीज के डे 132 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड बहुत ही अच्छा सवाल है, तो बिना देरी किए चलते हैं सवालों की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डियर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सवाल क्या है हम लोग का, ये देखो सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि किसी भी सवाल को करने का तुम्हारे पास दो अप्रोच होता है। एक होता है बेसिक, दूसरा होता है डायरेक्ट, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्टकट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल हो या बहुत सारा रिसर्च करने के बाद शॉर्टकट आ जाए। बेसिक जो होता है वो तुम्हारा हर जगह एप्लीकेबल होता है। मीन्स क्या है हमारा कहने का, कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम में तुम्हें मिल जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप में तुम शॉर्टकट ढूंढने पर मत लगना, बेसिक कैसे बनाना है ये समझो। ठीक है, और बेसिक देखो कितना ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहा है सवाल में, कि कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द रेशियो 12:13 रेस्पेक्टिवली। एक कंटेनर जो है जिसमें लिक्विड ए और बी जो है, ए और बी, ठीक है, किस रेशियो में है, 12:13 में है। लेट से कि इसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी 25x, तो 25x कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 12x ए हो जाएगा और 13x बी हो जाएगा। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर हैव बीन विदड्रॉन, ठीक है, कुछ अमाउंट विदड्रॉ किया गया, ये था हमारा इनिशियल कंडीशन में, कुछ अमाउंट जो है विदड्रॉ कर दिया गया। लेट से कि 25y विदड्रॉ किया गया, क्यों 25y, क्योंकि विदड्रॉ भी जो करेगा वो तो इसी रेशियो में विदड्रॉ करेगा, 12:13 में। ठीक है, तो विदड्रॉ भी जब कर रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 25y यानी कि 12y और 13y विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला, एंड सम अमाउंट ऑफ लिक्विड सी इज एडेड, मतलब जितना विदड्रॉ किया उतना नहीं ऐड किया, कुछ अमाउंट सी का ऐड किया गया। देन द रेशियो ऑफ लिक्विड ए बी सी, और अब ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना बन जाता है तुम्हारा, 24:26:29। ठीक है, ये ए बी और सी यानी कि फाइनली अब हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। इसका भी तुम टोटल वैल्यू निकालो, जब ऐड करोगे तो 24:6:50 और 29 कितना हो जाएगा, 79z, यानी कि यहाँ पे सब में जेड लगा दो, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू तुम्हें मालूम हो गई। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, आफ्टर एडिंग लिक्विड सी, लिक्विड सी ऐड करने के बाद द टोटल अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इन कंटेनर इज 10 लीटर लेस देन, लिक्विड सी ऐड करने के बाद, ठीक है, टोटल अमाउंट इन द मिक्सचर इज 10 लीटर लेस देन द इनिशियल अमाउंट। जो टोटल अमाउंट फाइनल में है यानी कि 79, इक्वेशन अब बना रहा हूँ मैं, ठीक है, 79z जो है वो इनिशियल से 25x से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर, एक अमाउंट जो है ए का जो कंटेनर से बाहर निकाला गया, इज 146 लीटर लेस देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड सी एडेड, 146 लीटर कम है किससे, सी से जो ऐड करा गया था हमारा, कौन, ए से जितना बाहर निकाले, तो ए से बाहर हम लोग कितना निकाले थे, 12y निकाले थे, और ये 12y जो है सी में जितना ऐड करा गया, तो सी कितना ऐड करा गया, 29z, इससे 146 क्या है, कम है। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। अब देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तुम्हें तीन वेरिएबल की जरूरत होगी, देखो तीसरा वेरिएबल क्या होगा हमारा, तीसरा कैसे निकलेगा। तुम स्टार्टिंग में ध्यान दो कि ए और बी पे ही फोकस रखो, ए और बी स्टार्टिंग में कितना था, 25x था। ठीक है, और ए और बी अभी कितना हो गया तुम्हारा, 26 और 24 मिला के कितना हो गया, जेड, यानी कि 50z हो गया। स्टार्टिंग में तुम्हारा था 25x, ठीक है, और अब हो गया है तुम्हारा 50z। ठीक है, क्यों 50z हो गया है, क्योंकि 25x में से तुमने क्या किया है, 25y को निकाल दिया है, तब जाके ये 50z हो गया। तो 25x में तुमने क्या किया, 25y को निकाल दिया, तो ये जाके तुम्हें क्या दे रहा है, 50z। सिर्फ ए बी में बात कर रहे हैं, देखो ए बी स्टार्टिंग में 25x था, तुमने 25y निकाल दिया, तो ए बी की क्वांटिटी कितनी हो गई, 50z हो गई, यानी कि 25x में 25y घटा दिया तो क्या हो गया, 50z हो गया। अब इसी को जो है हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से फर्दर तुम इसको क्या लिख सकते हो, 79z प्लस में 10 बराबर में क्या, 25x। ठीक है, और इसी चीज़ को तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, 25x इज इक्वल टू 50z प्लस में क्या, 25y। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, ये वाला और ये वाला इक्वेशन को तुम पकड़ लो। ठीक है, जब पकड़ोगे तुम यहाँ पे, तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, दोनों का 25x जब बराबर कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 79z प्लस में 10 बराबर में 50z प्लस में 25y। ठीक है, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, 79z में 50z चला गया, कितना बचेगा तुम्हारा,
29z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 25y है यहाँ पे, सॉरी इसको प्लस में ही रहने दो 10, ठीक है 25y, कहीं पे तुमको 25 का भी कोई इक्वेशन मिल रहा होगा, ठीक है 25y जो है वो तुम्हें क्या देगा बराबर में, ये तुम्हें क्या दे रहा है बराबर 25y का इक्वेशन यहाँ से तुम निकाल लो, या फिर 29z का ही निकाल दो, छोड़ दो 25y का, 29z यहाँ से निकाल लो, ठीक है 29z तुम जब निकालोगे तो 29z तुम्हें क्या देगा 12y प्लस में 146, ठीक है तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 29z को ही क्या लिख सकते हो, 29z को यहाँ पे लिख दो 12y प्लस में 146 प्लस में 10 बराबर में कितना हो गया 25y हो गया, ठीक है 12 में 25 चला जाएगा क्या देगा 13y देगा, बराबर में क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा, 13 से काट दो इसे 12 बार में, y की वैल्यू जो निकल गई वो निकल गई कितनी 12। अब तुम ध्यान दो तुमसे पूछा क्या है सवाल में, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ b इनिशियली इन द कंटेनर, b की वैल्यू बतानी है जो कि कितनी है 13x है, तुम्हें x पे पहुंचना है, अब एक एक जगह वैल्यू पुट करो कहीं कहीं पे जहां से तुम्हारा हर चीज सॉल्व होता चला जाए, तो तुम यहीं पे पुट करके देखो, यहां पे तुम जब y पुट करोगे तो तुम्हारा z निकल जाएगा, 12 गुने 12 होगा 144 प्लस में 146 किसके बराबर 29z के बराबर, ठीक है तो 29z जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 290 के बराबर, यानी z की वैल्यू कितनी निकल गई 10 निकल गई, z जब तुम्हारा 10 निकल गया तो अब तुम x पे इजिली पहुंच सकते हो, कहीं से भी x पे आ जाओ, चाहे इस इक्वेशन के हेल्प से आ जाओ चाहे इस इक्वेशन के हेल्प से आ जाओ, ठीक है चलो हम लोग इसी के हेल्प चाहते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है तो इसी चीज को जब लिखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 79 इंटू में 10 और प्लस में 10 बराबर में क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये 800 देगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 800 बाई में कितना 25, काट दोगे इसे तो ये कितने बार में कट जाएगा 32 बार में, अब तुम्हें क्या निकालना है b का, b यानी कि कितना है 13x, 30x की वैल्यू जब 32 निकल गई तो 13x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 गुने में 32, और इसी का वैल्यू तुम्हारा जो 13 गुने में 32 होगा यही तुम्हें सॉल्व करके देगा कितना 416 एंड दैट इज योर आंसर 416 लीटर, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है तो सवाल को देखो कुछ नहीं है सिर्फ इक्वेशन को बैठाना है, अब जितनी तेजी से तुम इक्वेशन को बैठा लो उतना ही आसान है तुम्हारे लिए, ठीक है यही हमारा सवाल है, कुछ नहीं हम लोगों ने किया, जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे हम लोगों ने इक्वेशन बैठाते चला गया, जो इनिशियल रेशियो था रेशियो को हम लोग सिर्फ क्या किए मैच कराते चले गए, जो जहां तक हुआ वहां तक क्लियर कर लिया, ठीक है जैसे जैसे इक्वेशन हम लोग आता जाएगा उसी को बस सॉल्व करते जाना है, तुम्हारा सवाल जो है आसानी से बन जाएगा, ये एग्जाम का अप्रोच है, मैंने तुम्हें एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करने के लिए बताया कि एग्जाम में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, रैदर देन तुम ये ढूंढो कि क्या कुछ शॉर्टकट अप्रोच दिख रहा है, ठीक है इसमें भी शॉर्टकट अप्रोच है लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है बहुत ही ज्यादा दिक्कत है उसमें, उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है यहाँ पे तुम्हारा, मान लो कि जैसे तुमने यहाँ पे 156 लेके आया इसको, ठीक है मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, 156 यहाँ पे लेके आया तुमने, ये 156 किसके बराबर लेके आया 13y के बराबर, देखो 13y कहाँ है ये यहाँ पे विड्रॉ किया हुआ है, एक बार 146 लीटर कम है किससे, ए से कम है तुम्हारा 146 लीटर, एक बार यहाँ से तुम्हारा सी में जो ऐड करा गया तुम्हारा इनिशियल से 10 लीटर कम है, यानी कि टोटल कमी जो निकली है वो कमी कितने की निकली है 156 की निकली है, तो 156 की जब कमी निकली है तुम्हारी तो अब यहाँ पे तुम देखो इन दोनों में से किसी एक के बराबर, तो 13 के बराबर जब तुम देखोगे 156 तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि ये एक का 12 गुना करने के बाद दे दे रहा है, तो यहाँ से तुम 12 इसमें भी गुना कर दो या फिर तुम 25 में ही 12 गुना कर दो, तो 25 में जब तुम 12 गुना करोगे तो ये क्या दे देगा तुम्हें 300 दे देगा, ठीक है यानी 25 से तुमने जो निकाला था वो क्या था तुम्हारा 300 था, जो तुमने निकाला उससे क्या हो रहा है सी जो डाल रहे हो उससे क्या बोला स्टार्टिंग में सवाल में कि वो 10 लीटर कम है तुम्हारा, ठीक है क्या बोल रहा है वो 10 लीटर कम है, तो 300 में जब तुम 10 लीटर कम डालोगे तो कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, और सी जो ऐड कर रहे हो वो उसके बराबर है, तो 290 जब 229z जो है तुम्हारा 290 के बराबर होगा तो एक का मान कितना के बराबर होगा 10 के बराबर हो जाएगा, अब तुम यहां से जब करोगे 24 गुने 10 26 गुने 10 29 गुने 10 यानी कि 79 गुने 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा 790, अब टोटल इनिशियल कंडीशन से ये क्या है 10 लीटर कम है, तो 10 लीटर यहाँ पे तुम क्या करो ऐड कर दो, ऐड कर दोगे ये तुम्हारा क्या दे देगा 800 दे देगा, अब ये 800 तुम्हारा क्या हो गया इनिशियल,
इनिशियल कहने का मतलब क्या, 25x, ठीक है, यानी 25 का मान जो है तुम्हारा वो किसके बराबर है, 800 के बराबर है। यहाँ से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, देखो वही चीज आ गया, एक का मान तुम्हें क्या दे देगा, 32 दे देगा, एक जब 32 निकल गया यानी x की वैल्यू 32 निकल गई तो 13x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 गुने में 32 हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी तुम आसानी से कर सकते हो, यहाँ से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें करने में, ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी तुम्हें वहाँ पे सोचनी, एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं लगेगा तुम कि इतना सोचो कि 46 कम हुआ 10 कम हुआ तो ये 156 हो गया, अब ये 12 से कट रहा है, यहाँ 13 से कट रहा है, 13 के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पे क्योंकि ये 13 के पार्ट में जा रहा है, तो यहाँ सब करने में थोड़ा सा तुम्हें टाइम लग सकता है। इसलिए तुम्हारा ये जो बेसिक अप्रोच है हम लोग का सवाल करने का, ये तुम्हारा बेसिक अप्रोच ही काम देगा एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर होगा तुम लोगों को।